अगर आप चाहते हैं कि आपको लाइफ में कभी भी हार्ट से रिलेटेड कोई भी बीमारी ना हो, आपको कभी हार्ट अटैक ना आए, आपका कभी हार्ट फेल ना हो, आपको कभी नसों में ब्लॉकेज ना बने, तो जानते हैं तीन ऐसी चीजें जिनका सेवन आपको कम से कम करना है। तो सबसे पहली चीज है, वो है शुगर, सफेद चीनी, व्हाइट शुगर। ये सबसे एडिक्टिव चीज है, हम चीनी के बिना रह ही नहीं सकते। पर जो चीनी है ये हार्ट डिजीज का कारण बनती है, तो आपको इसे लिमिट में यूज करना है। जहाँ आप 2 चम्मच चीनी ऐड करते हैं वहाँ आप 1 चम्मच ऐड करें। जहां आप दिन में 2 बार चाय पीते हैं वहां पर आप चाय की मात्रा को आधी कर दें। जहां आप दिन में 4 बार चाय पीते हैं तो आप 2 बार पिए तो इससे चीनी आधी हो जाएगी। तो कहने का मतलब है कि आप अपना तरीका ढूंढें चीनी को कम करने का। बिल्कुल बंद तो आप नहीं कर पाएंगे, कोई भी नहीं कर सकता, लेकिन अगर आप इसकी मात्रा को घटा दें तो आप कहीं ना कहीं अपने हार्ट को बचा पाएंगे। जो आजकल कम उम्र में हार्ट की प्रॉब्लम आ रही है, आप उन प्रॉब्लम से बच पाएंगे। तो इसलिए आपको स्वाद लेना है लेकिन साथ साथ में सेहत भी लेनी है, तो आप चीनी की मात्रा को कम करिए। जो चीनी होती है ये जो हमारी ब्लड वेसल्स होती हैं, जिसे हम खून की नसें कहते हैं, उनके अंदर एक पतली झिल्ली होती है। जो सफेद चीनी है ये उस झिल्ली को नुकसान पहुंचाती है। जब झिल्ली डैमेज होती है तो वहां पर धीरे धीरे खून इकट्ठा होना शुरू होता है, ब्लॉकेज स्टार्ट हो जाती है और आगे चलकर हार्ट प्रॉब्लम और स्ट्रोक जैसी बीमारियां सामने आती हैं। तो आप सफेद चीनी की मात्रा कम कर दें और सफेद चीनी की जगह आप देसी खांड का इस्तेमाल करें या फिर आप गुड़ का इस्तेमाल करें और शक्कर का इस्तेमाल करें, उसमें चीनी की मात्रा कम होती है। इस तरीके से आप मैनेज करें, इससे आप हार्ट की बीमारियों से बच पाएंगे। दूसरी चीज जो हार्ट को डिस्ट्रॉय करती है वो है फ्राइड फूड। अब फ्राइड फूड खाना भी हमारे लिए एक जरूरत है, एक टेस्ट है। हम रह नहीं सकते पकौड़े खाने से, समोसे खाने से और जो भी फ्राइड चीजें होती हैं, मिठाइयां भी फ्राई होकर बनती हैं, रसगुल्ले, गुलाब जामुन, जलेबी सब फ्राई होता है। तो आप फ्राइड फूड की मात्रा कम कर दें। जब आप फ्राइड फूड की मात्रा कम करेंगे तो आप हार्ट अटैक जैसी बीमारियों से बचे रहेंगे, स्ट्रोक जैसी बीमारियों से बचेंगे, कम उम्र में आपको बीमारियां नहीं लगेंगी। जो फ्राइड चीजें होती हैं ये कैसे डिस्ट्रॉय करती हैं हार्ट को, सबको पता है कि जब हम किसी फूड को फ्राई कर देते हैं तो उसमें तेल की मात्रा यानी फैट की मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। जब हम ज्यादा मात्रा में फ्राइड फूड खाते हैं तो जो हमारा खून है उसमें भी फैट की मात्रा बढ़ जाती है। जब खून में फैट की मात्रा बढ़ती है तो खून गाढ़ा हो जाता है। जब खून गाढ़ा होता है तो उसे आगे ट्रेवल करने में, आगे जाने में मुश्किल होती है। इसके वजह से हार्ट को ज्यादा जोर लगाना पड़ता है और ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। ब्लड प्रेशर बढ़ता है तो जो हमारी खून की नसें होती हैं तो उनकी दीवारों के ऊपर ज्यादा जोर पड़ता है, जिसके कारण खून की नसों के अंदर जो पतली झिल्ली होती है उसको नुकसान होता है, जिसके कारण वहां पर खून जमना शुरू हो जाता है, जिससे धीरे धीरे ब्लॉकेज बननी स्टार्ट हो जाती है और फिर आगे चलकर हार्ट अटैक और स्ट्रोक जैसी बीमारियां होती हैं। तो आपको क्या करना है, आपको अपने स्वाद को नहीं छोड़ना, आपको बस मात्रा को कम कर देना है। अगर आप हर हफ्ते संडे के दिन पकौड़े खाते हैं तो आप महीने में 2 हफ्ते कर दीजिए, 1 हफ्ता छोड़ दीजिए। बीच में अगर आप महीने में 2 बार खाते हैं तो उसको 1 बार कर दें। अगर आप प्लेट भर के खाते हैं तो आधी प्लेट खाएं, 2 समोसे खाते हैं तो 1 खाएं। आप बिल्कुल मत छोड़ें, उसे कम कर दें। कम करने से भी आप वे सारे बेनिफिट ले पाएंगे जो आप छोड़ने से लेते हैं। छोड़ सकेंगे तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा, लेकिन शायद छोड़ना हमेशा के लिए पॉसिबल नहीं है। अगर आप कुछ महीने छोड़ देंगे तो फिर जब दोबारा खाना शुरू करेंगे तो बहुत ज्यादा मात्रा में खा लेंगे, इसलिए आप मात्रा को कम कर दें। तीसरी चीज जो हार्ट को डिस्ट्रॉय करती है वो है नमक। खाने में अगर नमक मिर्च ही नहीं होगा तो खाने का क्या स्वाद, इसलिए हम लोग नमक मिर्ची खूब डालते हैं। तीखा मसाला, तीखा नमक खाना हम लोग पसंद करते हैं। स्वाद तो चाहिए लेकिन थोड़ी सी मात्रा कम कर दें। आप नमक की मात्रा 20% कम कर दें, सिर्फ 20 से 25%। इतना नमक कम करेंगे तो आपको ज्यादा फर्क महसूस नहीं होगा लेकिन आपकी सेहत में बहुत ज्यादा फर्क आएगा। तो नमक किस तरह से हार्ट को डिस्ट्रॉय करता है, नमक यानी सोडियम, और सोडियम की खासियत होती है कि ये बॉडी में पानी को रोक कर रखता है। अगर आप नमक ज्यादा खाते हैं तो आपकी बॉडी में पानी की मात्रा ज्यादा होती है। ये जो ज्यादा पानी है ये हमारे खून में भी जाता है, जिससे खून की मात्रा बढ़ती है, ब्लड वॉल्यूम बढ़ता है बॉडी में। जब ब्लड वॉल्यूम बढ़ता है, खून आपकी बॉडी में ज्यादा होगा तो आपकी नसों के अंदर दीवार के ऊपर प्रेशर भी ज्यादा पड़ेगा, यानी आपका ब्लड प्रेशर बढ़ता है। नमक खाने से जब प्रेशर बढ़ेगा तो नसों के अंदर जो झिल्ली है उसको नुकसान पहुंचेगा। झिल्ली को नुकसान होने पर वहां पर खून के थक्के जमने लगेंगे, ब्लॉकेज बनने लगेगी, आपका फिर हार्ट अटैक का खतरा, स्ट्रोक का खतरा बढ़ेगा। तो अगर आप सिर्फ 20% नमक कम डालते हैं तो इससे आप अपने हार्ट को बचाते हैं, आप ब्रेन स्ट्रोक होने के खतरे को बचाते हैं, आप एक लंबा जीवन जीने के अपने रास्ते को क्लियर करते हैं। 20% नमक कम करने से आपके स्वाद के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, बहुत मामूली सा फर्क पड़ता है, जिसकी आदत आपको 4-5 दिन में ही हो जाती है। लेकिन अगर आप इतना छोटा सा काम कर लेते हैं तो आप अपने जीवन को कम से कम 15 से 20 साल तक और बढ़ा पाते हैं। तो ये तीनों चीजों की मात्रा को आप कम करें तो आप स्वाद भी लें, थोड़ा सा कंट्रोल भी करें, ताकि आप जीवन का मजा भी ले पाएं और एक लंबा जीवन भी जी पाएं। थैंक यू।